मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्या मिशन चंद्रयान 2 पूरी तरीके से फेल हो गया है? क्या भारत इतिहास रचने से मात्र 2.1 किलोमीटर दूर रह गया है? सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था। इसरो की पूरी टीम अपने कंप्यूटरों पर नजर गड़ाए बैठी थी, तभी सन्नाटा छा गया। इसरो के प्रमुख के सिवन ने पीएम मोदी से मिलकर कुछ कहा और खबर आई कि मिशन चंद्रयान फेल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश और आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि जो आप इतने सुंदर और नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं वो हिम फिल्म्स के सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं हो पाता। अधिक जानकारी के लिए आप इनके वेबसाइट www.himfilms.in में लॉगिन करके देख सकते हैं। शनिवार के दिन सुबह सुबह भारत के लोगों को एक दिल तोड़ देने वाली खबर सुनाई दी। लाखों लोग सुबह से जागते रहे और चंद्रयान 2 मिशन को चांद की सतह पर लैंड करते देखने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अचानक लास्ट मोमेंट में लैंडर से कांटेक्ट टूट गया। क्या यह इसरो की हार है या इस हार में भी जीत छुपी है? क्योंकि कई लोग जल्दी हार मान लेते हैं। कुछ चीजें प्लान के अनुसार नहीं हुई, लेकिन आशा अभी भी बनी हुई है कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर और इसके अंदर प्रज्ञान रोवर बच गए हैं। मिशन का सिर्फ 5% लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का नुकसान हुआ है, जबकि बाकी 95% चंद्रयान 2 ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा का सफलतापूर्वक चक्कर काट रहा है। एक साल मिशन लाइफ टाइम वाला ऑर्बिटर चंद्रमा की कई तस्वीरें लेकर इसरो को भेज सकता है। ऑफिसर ने कहा कि ऑर्बिटर लैंडर की तस्वीरें भी लेकर भेज सकता है, जिससे उसकी स्टेटस के बारे में पता चल सकता है। भारत का चंद्रयान पिछले 43 दिनों से अंतरिक्ष में है। 3.8 टन वजनीय यान फिलहाल चंद्रमा की कक्षा में चक्कर काट रहा है। सोमवार दोपहर हुए एक महत्वपूर्ण पड़ाव में चंद्रयान से विक्रम लैंडर अलग कर दिया गया था। यह सब कुछ तब हुआ जब चंद्रयान पर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग का सबसे मुश्किल 15 मिनट था। अब भी विक्रम और प्रज्ञान से संपर्क की उम्मीदें बाकी है, लेकिन यह किसी चमत्कार जैसा ही होगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के हेड के सिवन ने संपर्क टूटने का ऐलान करते हुए कहा कि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले तक लैंडर का काम प्लानिंग के मुताबिक हुआ और उसके बाद उससे संपर्क टूटा। शनिवार को लगभग 1:38 पे 30 किलोमीटर की ऊंचाई से 1680 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 1471 किलोग्राम के विक्रम ने चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ना शुरू किया। तब तक सब कुछ ठीक था। इसरो ने कहा, यह मिशन कंट्रोल सेंटर है। विक्रम लैंडर उतर रहा था और लक्ष्य से मात्र 2.1 किलोमीटर पहले तक उसका परफॉर्मेंस नॉर्मल था। उसके बाद लैंडर का संपर्क हमारे सेंटर से टूट गया। डेटा का एनालिसिस किया जा रहा है। क्योंकि ऑर्बिटर का लास्ट मोमेंट में सेंटर से संपर्क टूट गया, इसलिए यह पॉसिबल है कि यह बस एक कम्युनिकेशन इशू हो और लैंडर सुरक्षित रूप से नीचे पहुंच गया हो। इसका बहुत कम चांस है, लेकिन यह पॉसिबल है। स्पेस बहुत चैलेंजिंग है। चंद्रमा पर लॉन्च किए गए 30 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं जो वहां कभी नहीं पहुंचे या इसे बनाया ही नहीं गया, और चांद के सतह पर उनके कुछ टुकड़े पड़े हैं। अभी हाल ही में इजराइल के अंतरिक्ष यान बेरेसेट को केवल छूने से पहले ही एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि वे स्पेसशिप से कांटेक्ट खो चुके थे। आखिरकार जब विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह से केवल 2.1 किलोमीटर ऊपर था, तब ही उन्होंने कांटेक्ट खो दिया। लेकिन यह छोटी सी चूक इसरो के वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी सीख होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यह मत भूलिए कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी के पास अभी भी दुनिया में किसी भी दूसरे स्पेस एजेंसी की तुलना में स्पेस में सक्सेसफुल मिशन के मामले में सबसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। चंद्रयान 2 इसरो का अब तक का सबसे कॉम्प्लेक्स मिशन है।
इसरो लैंडर पर सवार किसी भी इक्विपमेंट को नुकसान न पहुंचे, इसलिए सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास कर रहा था। ऐसा करने के लिए उन्हें पहले 30 किलोमीटर की दूरी पर ब्रेक लगाना शुरू करना था, फिर लगभग 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर अच्छे से ब्रेक लगाना था। यह एयरप्लेन को इतना स्लो कर देता है कि यह माइक्रोग्रेविटी का इस्तेमाल करके पिछले कुछ फीट नीचे गिर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप रॉकेट बूस्टर को जमीन से बहुत नीचे तक नहीं उड़ा सकते हैं, या इसे ब्लो बैक के साथ टोल कर सकते हैं, या धूल के साथ सोलर पैनलों को भी क्लियर नहीं कर सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से बहुत मुश्किल है और यही कारण है कि सिवन ने इसे अंत की 15 मिनट की खिड़की कहा। लैंडर पूरा मिशन नहीं था। विक्रम लैंडर और उसके कार्गो, विशेष रूप से प्रज्ञान रोवर, चांद के सतह पर एक्सपेरिमेंट के लिए महत्वपूर्ण थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर अगले साल कम से कम अंतरिक्ष में रहेगा, जिससे चंद्रमा के पार और अमूल्य डेटा इकट्ठा किया जा सकेगा। इसकी तुलना में लैंडर और रोवर को केवल एक चांद के दिन या लगभग 14 पृथ्वी के दिनों के लिए कार्य की उम्मीद थी। सिर्फ इसलिए कि हम चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यान को उतारने में विफल रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि यह चीजों का अंत है। नासा को 1967 में चांद पर कदम रखने के लिए न जाने कितने ही विफलताओं का सामना करना पड़ा। अपोलो मिशनों में चंद्रमा पर इंसान को ले जाने में कामयाब होने से पहले 11 विफलताओं का सामना करना पड़ा। इसके अलावा हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पूरे चंद्रयान 2 मिशन के लिए इसरो का बजट लगभग 978 करोड़ रुपए था। इससे नेविगेशनल और ग्राउंड सपोर्ट नेटवर्क के साथ ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर के विकास के लिए लगभग 603 करोड़ रुपए गए। बचे हुए 375 करोड़ रुपए GSLV Mark 3 रॉकेट बनाने के लिए गए। लेकिन अब आप इनकी तुलना नासा के मिशन से करते हैं तो नासा द्वारा किए गए समान लॉन्चेस की तुलना में इसकी लागत लगभग 20 गुना कम है। अगर आपको स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस साइंस से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस और गहरा करना हो तो हम आपको कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं, जिसमें कुछ बुक्स हैं और कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं जिसे इस्तेमाल करके आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो चंद्रयान 2 के असफल नहीं होने के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने आसपास के लोगों से शेयर करें। ऐसे ही अच्छे अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपके पास हमारे अपडेट्स सबसे पहले पहुंच सके, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।